अरे यारो कैसे हो। वैसे तो ये वीडियो 8 मिनट की मतलब आसपास में हो जाएगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो कि आप सोचे नहीं होंगे। उसको अगर डाउनलोड कर लोगे ना भाई, तो सही में बता रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन लैग हैंग जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बट यार इसको स्किप नहीं करना, अगर स्किप कर दोगे तो भाई तुम वही बात होगी ना यार, तुम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद नहीं समझ पाओगे तो उसके बाद आके मेरे को गालियाँ बकोगे। इससे अच्छा है कि इस वीडियो को अगर तुम ध्यान से देख लोगे तो क्या पता आपका लक काम कर जाए। लक नहीं यार, पूरा ही काम करेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी कहानी कुछ इस तरीके से थी कि मेरे पास एक बार मतलब 1 GB RAM का फ़ोन हुआ करता था जिसका नाम रेडमी गो था। उस पर मतलब कई टॉपिक्स मैंने वीडियो बनाया जो कि बहुत ही खूब वायरल हुआ, मेरे को मतलब वर्स्ट टाइम व्यूज़ बहुत ही अच्छे खासे भी मिले। बट मैं ये चीज़ बताने के लिए नहीं हूँ, काफ़ी गालियाँ भी थोड़ी बहुत मिली थी, काफ़ी बड़े भरोसे भी किए थे। बट नेवर कि अब वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करता। जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ वो है पैंडा बूस्टर, ठीक है। काफ़ी बंदे फिर से कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो, अब वो वर्क नहीं करता है। पहले करता था वो अलग बात था, पता नहीं अब क्या सीन है, मैं खुद यूज़ नहीं करता, मैं खुद अब 4 GB RAM का फ़ोन यूज़ करता हूँ, ठीक है। और जो मैं एप्लीकेशन बताऊंगा मैं ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई पता है ना तुम लोग ऐसे ध्यान से देखोगे नहीं, सीधा एप्लीकेशन को भगा के देखोगे फिर पछताओगे यार, जो मैं कहना चाहता हूँ पछताओगे, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से देख लो। सबसे पहले तो बता दूं यार कि तुम लोगों को मालूम है कि आज के ज़माने में सभी बंदे यार तेज हैं, कोई मतलब पागल बंदा तो है नहीं, जाहिर सी बात है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यार देखो क्लियर कैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपने फ़ोन को जितना क्लीन रखोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। और ये तो मालूम ही है यार कि फ्री फायर का दिन पर दिन मतलब साइज बढ़ता जा रहा है, मेरे को ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे हो कि भाई मतलब तू यही लेक्चर देने के लिए आया क्या? भाई देखो यार लेक्चर देने के लिए नहीं आया, ये चीज़ें बताना बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें ट्रिक क्या चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो जो भी क्लियर कैच है ना, जो फ्री फायर का, उसको क्लियर कैच कर लिया करो उसको। और जैसे एप्लीकेशन रखते हो ना फालतू का, खासतौर पर मैं 2 GB RAM की बात करूँ, क्योंकि उनके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से लैग हैंग प्रॉब्लम होता है। मैं खासतौर पर बात करूँ तो मेरे पास 4 GB RAM वाला फ़ोन Realme C3 है भाई, वो तक लैग करता है। जी हाँ, फ्री फायर उसमें वो तक लैग करता है, उसके लिए मैं पूरा क्लीन रखता हूँ तब जाके यार लैग नहीं करता है। विद प्रूफ अगर मैं बताऊँ तो यार क्या ही बताऊँ तुम लोगों को, वो मैं एक ही फ़ोन है ना, नहीं तो बता देता। अब तुम कहोगे भाई बहाने मार रहा है, अरे ना यार बहाना नहीं मारता फोन, ठीक है। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। अब देखो यार फ्री फायर दिन पर दिन साइज बढ़ता जा रहा है, उसका मेन कारण है कि अब तुम देख ही सकते हो न्यू मैप आ चुका भाई, कालाहारी आ गया, प्लेटरी मैप आ गया है, सॉरी यार प्लेटरी क्या, ठीक है वो ही मतलब समझ जाओ, बरमुदा रिमास्टरेड, मतलब एक और न्यू मैप अल्पाइन। अब बताओ यार इतना बड़ा बड़ा मैप आ गया तो साइज तो बढ़ ही नहीं यार। लेकिन भाई कुछ भी कहो, अगर ये चीज़ें अगर ऐड नहीं होगी तो इन फ्यूचर में जो बंदे न्यू फ़ोन ले रहे हैं उनका क्या दिक्कत होगी भाई? उनको तो दिक्कत होगी ना भाई कि फ्री फायर में ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि यार कुछ बंदे अभी भी हैं जिनके पास मिडिल क्लास से हैं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ भाई, ऐसा नहीं है, आप भी मिडिल क्लास हो, आपके कुछ ऐसा सिचुएशन मतलब सिचुएशन है कि आप उस चीज़ को मतलब कर नहीं सकते, जैसे कि न्यू फ़ोन ले नहीं सकते, ठीक है ना, ऐसा सीन है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ऐसा क्या है कि अभी फ्री फायर में एक्सपेक्शन पैक होता है, ठीक है, एक्सपेक्शन पैक समझ रहे हो ना, वो जितने भी होता है मतलब वो डाउनलोड करोगे तो आपका बंडल स्क्रीन सब दिखता है, अगर वो नहीं होगा तो भाई आपको दिखेगा नहीं, या नहीं आपको टीमनेस को दिखेगा, शायद ऐसा ही होता है। आई थिंक ये चीज़ों को ना बिल्कुल डाउनलोड मत करो अगर अभी भी इंजॉय कर, देखो अभी तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है कि आप नए फ़ोन नहीं ले सकते, तो प्लीज़ ये ट्राई करके देख लो जो मैं कह रहा हूँ। फ्री फायर को डिलीट करो, डिलीट करके फिर दोबारा इंस्टॉल करने के बाद उसको दोबारा से जाकर पैक डाउनलोड में रखना, वैसे ही खेलना, देखना गेम मक्खन की तरह चलेगा। अगर वही सब मतलब अगर तुम पूरा चीज़ करोगे तो भाई मैं लिख के ले लो वो हैंग लैग होगा 2 GB RAM के लिए, खास तौर बता रहा हूँ। एक ज़माना था जब 1 GB RAM में यार इतना अच्छा खासा फ़ोन के अंदर चला जाता था, अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने तुम्हें ध्यान से बता दिया। अब भाई मेरे को गाली मत बकना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं उल्टा भाई एक अच्छी बात बताऊँ। देखो कई ऐसा यूट्यूबर होता ना व्यूज़ खींचने के लिए ना जाने कई टाइप की वीडियोज़ बना देंगे और आराम से व्यूज़ खींच के चले जाएंगे और तुम लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे, तुम उनको लाइक ठोकोगे सब्सक्राइब ठोकोगे सब कुछ करके, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब जो अच्छा बंदा अच्छा चीज़ बता रहा है तो तुम लोगों को भेजे में नहीं पड़ेगा, मेरे को मालूम है ना नहीं पड़ने वाला। सिंपल सा चीज़ है, तुम मोबाइल को जितना मतलब क्लियर कैच करके रखोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्लियर डाटा मत करना, दो टाइप का ऑप्शन होता है, ये चीज़ें कड़ा किया करो जब भी गेम खेलने जा रहे हो उससे पहले, ये कर
कर तब खेला करो, थोड़ा सा ही तो काम है उसके बाद तो खेलना ही है ना, ये चीज़ करना है बस आराम से। अब बात कर लेते भाई, तू तो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला था, उसका क्या सीन है भाई? तो भाई यार सॉरी यार, मैं एप्लीकेशन का बहाना इसलिए किया ताकि आप यहाँ तक कैसे भी करके वीडियो को देख पाओ, ठीक है? अब देखा, मेरा ये चीज़ नहीं है कि मैं वॉच टाइम के लिए भूखा हूँ, ये हूँ, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए यहाँ तक बुलाया ताकि आप लोग इस टाइप को वीडियो देखो। देखो अक्सर पब्लिक को ना ज़्यादातर बेवकूफ़ बनाकर ही लोग वीडियो को दिखवाते हैं, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट यार मेरे को करना पड़ा क्योंकि मेरे को मालूम था कि आप लोग ऐसे वीडियो को पूरा वॉच टाइम तक मतलब पूरा क्लियर नहीं देख पाएगा, मुश्किल से कुछ ही बंदे मेरे को देखेंगे, ये तो क्या ही बोले, मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, कुछ ही बंदे देख सकते हैं। लेकिन जो असली बंदे होते हैं ना भाई वो देखते हैं, लेकिन जो जो नए बंदे होते हैं ना वो देखना नहीं पसंद है, वो ज़्यादा स्किप करके देखते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को ट्राई किया। और वेल मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने यहाँ तक मतलब काट लिया भाई, ठीक है? बस यही बताना चाहता हूँ यार कि किसी और के वीडियोस जितने भी देख रहे हो ना भाई, कोई एप्लीकेशन काम नहीं आता, आजकल के सब एप्लीकेशन फालतू के हैं जो भी मार्केट में आ रहे हैं ना भाई। जैसे बताओ भाई फ्री फायर इतना लैग हो रहा है, मैं कितना एडवर्टाइजमेंट भी देख रखा हूँ, साला मेरा तो गुस्सा बढ़ता कि भाई क्या ही चुतिया पकड़ा जा रहा है। देखो यार मैं गाली देता नहीं हूँ, बट ऐसा कहना पड़ रहा भाई, मतलब क्या ही बोले। मेरा भी एक टाइम था जब मेरा मतलब समय था जब मैं वीडियो बनाता था, तो भाई वो वीडियो ठीक ठाक भी चला था और वर्क भी करता था, ऐसा नहीं है। अब के समय में वर्क नहीं करेगा, आप जाकर देखोगे तो खाली में आपका टाइम खराब होगा, तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो वीडियोस देखना भी मत। जो चीज़ मैंने बताया कि भाई इन चीज़ों से बच के रहो, आजकल ना जाने प्ले स्टोर पर कितने सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं कि फ्री फायर लैग हो रहा है, ये वाला डाउनलोड करो, वो वाला डाउनलोड करो। जो देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी सिचुएशन, मेरा भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही था कि मैं भाई एप्लीकेशन के पीछे भागता, भाई वो एप्लीकेशन मिल जाएगा तो मेरा 100% भाई फ्री फायर बेस्ट चलेगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है? और आपका सिचुएशन मैं समझ पा रहा हूँ, तो इस चीज़ को यार थोड़ा झेलो यार, समझो मेरी बात को, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं, अब मेन चीज़ है कि अब ऐसा भी मत जिद करना कि भाई जाकर अपने पेरेंट्स को बोलो भाई कि मेरे को न्यू फ़ोन दिला दो, मेरे को गेम खेलना है। भाई ऐसा मत करना यार, नहीं तो समझ रहे हो ना जूते उते सब पड़ते हैं, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ देखा है और मेरे को भी लगी, इसलिए एक्सपीरियंस करके मैंने देखा, इसलिए बता रहा हूँ ऐसा मत करना। बट देखो जैसा सिचुएशन है मैंने तुम्हें ट्रिक बताया, एक्सपेक्शन पैक डाउनलोड, जैसे फ्री फायर को मतलब डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड करो, उसके बाद उसको मतलब खेलो, लेकिन एक्सपेक्शन पैक डाउनलोड का मक्खन की तरह चलेगा, 2 GB रैम ने, 1 GB रैम का पता नहीं भाई, उसका तो एकदम हालत ख़राब ही है, उसमें भी चल जाएगा लेकिन नेवर कोई उसमें ना प्रोसेसर ठीक होना चाहिए बस। चलो यार ये टॉपिक तो मैंने यार एकदम अच्छे से सुलझा दिया, आई होप कि तुम लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं यार जो अपना प्रो लीग का यार रिडीम कोड मिलने वाला है, उसका क्या सीन है? अब देखो यार प्रो लीग का रिडीम कोड 30 जनवरी को मिलने वाला है, सभी कोई बोल रहा है हाई लीग से, लेकिन यार मेरे को समझ नहीं आता यार कि ये लोग मतलब करने वालों, ये बताओ तुम लोग अभी तक मेरे को ये नहीं बताया कि आखिर रिवॉर्ड्स क्या होने वाला है, मेरे को पब्लिक को बताना है। देखो यार अभी रिवॉर्ड्स मतलब बताया नहीं मेरे को करना, इसलिए मैंने सब बोला ताकि यार समझ जाओ, ठीक है? मतलब रिवॉर्ड जैसे ही मेरे को रिवील हो जाएगा ना आप तक, मैं सबसे पहले रिडीम रिवॉर्ड जो भी है ना सबसे पहले मैं शॉर्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ, ठीक है? ये तो यार मेरे को वीडियो इसलिए लंबा बनाने पड़ा ताकि आप लोग इस बात को ठीक से समझ पाओ, क्योंकि जो चीज़ मैं शॉर्ट में कवर करना चाहता हूँ ना वो चीज़ कवर हो नहीं पा रहा था, इसलिए इस वीडियो में मैंने पूरा ज्ञान फैल दिया। अब आशा करता हूँ कि तुम समझ गए होगे जो प्रो लीग का जो रिडीम कोड होने वाला है वो 30 जनवरी को मिलेगा, ग्रैंड फाइनल का टाइम है, उस टाइम में जो उससे पहले मतलब जो भी रिवॉर्ड्स है ना वो रिवील हो जाएगा, और रिवील होता है तो भाई तुम्हारा भाई सबसे पहले शॉर्ट में समझा देता है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस चीज़ को ध्यान से मतलब आपको समझ लेना है, जो रिडीम है ना भाई छोड़ना नहीं है, जो मैं दूंगा ना भाई कसम करूँ बहुत ही खतरनाक रिवॉर्ड्स होंगे जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इसलिए यार प्लीज़ यार चैनल पर नए होना सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, जैसे ही मेरे को मिलेगा भाई जैसे ही तुम्हारा भाई यहाँ पर ना बांट देगा भाई, टेंशन मत ले बस। बस यारो अब वीडियो को थोड़ा ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई शॉर्ट वीडियो में, फिलहाल ये लॉन्ग वीडियो था तो इसको माफ़ करो, बट ये बताने का मेरा एक माध्यम था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो फिर भी दिल से सॉरी, अगर मेरी बात को समझ पाए होगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ भाई आपने सही कहा, अगर गलत किया होगा तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ, आजकल तो हर कोई मतलब मेरे को गलत ही मानने लगा है।